बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यू के ताज़रीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतहद्दरब इमारात में होने वाली न्यूज़ अपडेट्स से आप लोगों को आगाही फ्राहम करने वाले हैं। इसलिए इस न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी मालूमात के हसूल के लिए शेयर लाजमी करना है। सबसे पहले यूएई में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स से आप लोगों को आगाही फ्राहम करें। इस हवाले से वजारत सेहत ने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी करते हुए यह कहा कि इस वक्त पूरे यूएई के अंदर 232,544 के करीब न्यू कोविड-19 के PCR टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,040 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमू तादाद इस वक्त 6,28,976 के करीब भी चली जा चुकी है। जबकि इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए गुमन करना था कि इस कोरोना वायरस के तनाव भरे माहौल के अंदर भी पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 1,988 के करीब न्यू कोरोना के केसेस की रिकवरीज भी पेश हुई। इसी तरह टोटल ठीक होने वालों की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमू तादाद अब तक 6,07,606 के करीब भी चली जा चुकी है, जो कि ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। इस पर मजीद अपडेट जारी करते हुए गुमराह करना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से ताज़ा तरीन तौर पर 6 न्यू हलाकतें भी वाक़ हुई, जबकि टोटल मरने वालों की बात कर ली जाए तो स्मूदी वायरस से पूरे यूएई के अंदर अब तक 1,802 के करीब अफराद मारे भी जा चुके हैं। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए गवर्नर कहना था कि उनके एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद अब तक 19,568 के करीब चली जा चुकी है, जबकि टोटल वैक्सीन डोज लेने वालों की बात कर ली जाए तो उनकी तादाद इस वक्त 15,01,11,234 के करीब भी चली जा चुकी है। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से भी आगाही फ्राहम करें कि इस वक्त पाकिस्तान से दुबई की परवाज़ें ताहाल बंद रहेंगी। इस बार में एमिरेट्स एयरलाइन ने भी मजीद वजाहत जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में ये कहा कि पाकिस्तान से दुबई की परवाज़ें किसी नए हुकाम तक बंद रहेंगी और इस बार में कंपनी की जानिब से ये वजाहती बयान 7 जुलाई को परवाज़ें खुलने के बयान की वजाहत के लिए जारी किया गया था। एयरलाइन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो कन्फ्यूजन के लिए माजरत ख्वाह हैं और पाकिस्तान के लिए परवाज़ें ताहाल मुअत्तल रहेंगी, क्योंकि हमारे पास अभी तक इस हवाले से कोई भी हतमी तारीख नहीं आई है, क्योंकि इसका आसार भी इमारती हुकूमती फैसलों पर होगा और इसके लिए मुसाफिर किसी भी एडिट के लिए कंपनी की वेबसाइट को देखते रहें। इससे पहले भी एमिरेट्स एयरलाइन ने सोमवार को जारी करदा एक बयान में ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान से दुबई के लिए मुसाफिर परवाज़ें 7 जुलाई से खुल सकती हैं, लेकिन खित्ते में कोरोना की सूरत हाल की वजह से सूरत हाल में तब्दीली भी हो सकती है। इस बार में एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से एक मुसाफिर के सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान से दुबई के लिए परवाज़ें 7 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं, तहम अगर सूरत हाल गैर यकीनी रही तो इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ भी की जा सकती हैं। और इस बार में दुबई की एयरलाइन ने मुसाफिरों को हिदायत की थी कि वो ताज़ा अपडेट्स के लिए कंपनी की वेबसाइट पर नज़र रखें। एक और सवाल के जवाब में भी एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनकी परवाज़ें पाकिस्तान से दुबई के लिए 7 जुलाई से शेड्यूल में हैं, क्योंकि अभी उन्हें कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई। सफरी पाबंदियों में तौसी कर दी गई है, इसलिए सारफीन ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट्स को भी देखते रहें ताकि न्यू अपडेट जैसे ही आए उनको पता चल सके। इसके बाद आपको एक और आम तरीन खबर से भी आगाही फ्राहम करें कि इस वक्त इमारती शहरियों के लिए अच्छी खबर, 10 शहरों के लिए सफ़र के लिए ट्रेवल पास का आरामद तस्वर किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया भर में पहली एयरलाइन है जिसने रवान साल 20 अप्रैल में IATA ट्रेवल पास का मंसूबा शुरू किया था। और इस बारे में मज़ीद बताया ये जा रहा है कि IATA ट्रेवल पास 10 शहरों में फिदाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बेहतरीन और आसान सफरी सहूलियात फराहम करेगा। पर मज़ीद अपडेट जारी करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि एयरलाइन उसे अपने तमाम रूट्स तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रही है और उसी के साथ ही सेहत के बारे में मालूमात की बर वक्त फराहमी के लिए एमिरेट्स ने इमारात की कोरोना से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाले अल हसन ऐप से भी इश्तराक कर रखा है। एमिरेट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑफिसर अदील अल रिदा का इस बारे में कहना था कि गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान ही एमिरेट्स ने अपने मुसाफिरों को दौरान सफ़र बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए डिजिटल तरीका निज़ाम रेंज कर रखा है, जिसके लिए वो बहुत उन्होंने सख्त मेहनत भी की है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक तस्दीक को इमारात की वजारत सेहत के डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया गया, जिसका मकसद भी तमाम सारफीन को मुतअद्दिद फवायद फराहम करना है, जिसमें कागज़ों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए सफरी दस्तावेजात की मुस्तनद तस्दीक शुदा कापियाँ भी शामिल हैं। इसके बाद आपको एक और आम तरीन खबर से भी आगाही फराहम करें कि इस वक्त शॉपिंग मॉल्स, इंट्री पॉइंट्स और रिहायशी इलाकों में
خصوصی اسکینر نصب کر دیے گئے اور مشتبہ مریضوں کو داخلے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ اس بارے میں امارتی ریاست کا ایک بہت بڑا اعلان بھی سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے سوموار کے روز سے ہی شاپنگ مالز اور کچھ رہائشی علاقوں اور تمام زمینی اور فضائی انٹری پوائنٹس پر خصوصی اسکینرز کام کرنا شروع کر رہے ہیں، اور یہ جدید ترین ای ڈی ای کرونا وائرس کی تشخیص کرنے کے لیے بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ، زمینی سرحدی راستوں کے علاوہ شاپنگ مالز اور کچھ رہائشی علاقوں میں بھی نصب کر دیا گیا۔ اور اس بارے میں ابوظہبی ایمرجنسی کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ای ڈی ای اسکینرز کرونا کی تشخیص کرنے میں بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں، اور پائلٹ فیز میں ان کی کامیابی جانچنے کے بعد ابوظہبی کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے جدید اسکینرز کے عام استعمالات کی منظوری بھی جاری کر دی تھی۔ اور یہ اسکینر کرونا کے مشتبہ مریضوں کا پتہ چلانے کے معاملات میں انتہائی مؤثر اور کامیاب ثابت ہوئے ہیں ٹیسٹ کے دوران، اور ان اسکینر کی مختلف مقامات پر تنصیب کرنے کا مقصد بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی صحت اور زندگیوں کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنانا ہے۔ یہ ای ڈی اسکینر ٹیکنالوجی کرونا کی منتقلی کو روکنے کے لیے سیلف زونز بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حکام کے مطابق اگر یہ اسکینر کسی شخص کے کرونا سے متاثر ہونے کا بھرپور شبہ ظاہر کرتے ہیں تو انہیں مخصوص مقامات پر داخلے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اور ان تمام مشتبہ مریضوں کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ واضح ہے کہ چند روز پہلے ہی حکام نے یہ بتایا تھا کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکینر نصب کیے جائیں گے، اور اس بارے میں آج یہ نیو اپڈیٹ جاری کر دی گئی کہ وہ نصب بھی کر دیے گئے ہیں اور اپنا کام بھی شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی ایک فراہم کریں کہ اس وقت امارات سے اگر آپ نے باہر بھی جانا ہے تو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا لازمی ہوگا۔ اماراتی حکام نے اس بارے میں اعلان بھی جاری کر دیا گیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق اماراتی وزارت صحت کی جانب سے لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ موسم گرما کے دوران اگر یو اے سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا کر ہی جائیں، اور اماراتی ہیلتھ اسکینرز کے ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحسین نے خصوصی پریس بریفنگ کے دوران یہ بھی کہا، جن میں لوگوں سے امارات میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں تو امارات سے باہر کا سفر کرنے سے مکمل طور پر گریز کریں، کیونکہ ان کے لیے بڑے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور ان افراد میں دوسری خوراک نہ لگوانے کی وجہ سے وائرس کے خلاف پوری طرح سے قوت مدافعت پیدا نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ان کے لیے ان موذی وبا کا شکار ہونے کا خطرات بھی مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم اس بارے میں ڈاکٹر فریدہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ امارات سے باہر جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہ دوسرے ممالک میں جانے کے بعد بھی رش والے مقامات سے جانے سے گریز کریں، ہر وقت ماسک پہنے رکھیں، سماجی فاصلے کو ممکن بنائیں، اور ان ممالک کے کرونا پروٹوکول